नमस्कार दोस्तों, आइए मैं आज एक और सहजन की रेसिपी लेकर आ गई हूँ। तो चलिए इसके लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए आलू, ये मैंने दो आलू काट लिए थे, और चाहिए सहजन, ये दो टमाटर हैं मीडियम साइज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, और ये बड़ियां हैं। दोस्तों इसका रेसिपी मैंने अपने वीडियो पे डाल रखी है, मिक्स दाल की बड़ियां। और चाहिए मसालों में, चाहिए हमें हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, सरसों पाउडर, या आप सरसों पाउडर नहीं है तो आप इसका पेस्ट बना लीजिए, ज्यादा करके सफेद सरसों या काले सरसों, आपको जो भी पसंद है पीला या काला। और चाहिए काली मिर्च, जीरा, ये मैंने एक साथ रखा है काली मिर्च और जीरा। चाहिए मिर्च स्वाद अनुसार, और चाहिए दोस्तों पांच फोरन। बिना पांच फोरन के ये सब्जी मुझे पसंद नहीं है, और ये मैं पांच फोरन में ही बनाती हूँ। और चाहिए सरसों तेल या कोई भी कुकिंग ऑयल, मैं सरसों तेल इस्तेमाल करती हूँ, जो हमारे हार्डवा सेहत के लिए अच्छा होता है। और चाहिए मुझे पानी। तो चलिए, मैं जब तक आपसे बातें कर रही थी, मैंने इधर तेल रख लिया है, दो चम्मच गरम कर लिया है, अब मैं इसमें डालती हूँ पांच फोरन। माफ करिएगा, मैं भूल गई थी इनमें बड़ियों को भूनने के लिए, तो सबसे पहले मैं पांच फोरन डालने से पहले बड़ियों को भून लूंगी। जलाना नहीं है दोस्तों, बस कलर चेंज होने तक इसको भूनना है अच्छी तरह। तो चलिए इसे भून लेते हैं थोड़ा सुनहरा होने तक। तो ये देखिए दोस्तों, ये रंग चेंज हो गया, तो मैं इसे वापस से कटोरी में निकाल लेती हूँ। तो प्यार है हमारा, और ये मैंने खुद अपने घर में बनाया था, आप मेरे चैनल पे जाके सर्च करिएगा तो बड़ियों में इसका मिल जाएगा। ये निकाल लेती हूँ, ऐसे तो ये सूख जाते हैं दोस्तों, लेकिन जब हम इसको भूनते हैं तो इसका स्वाद दुगना हो जाता है, बढ़ जाता है स्वाद, और वो सौंधापन आ जाता है दालों का भूनने का। तो देखिए बहुत हेल्दी सब्जी है ये। तो मैं डालती हूँ इसमें लगभग एक चम्मच पांच फोरन, इसे तड़क जाने देती हूँ। दोस्तों मेरा थोड़ा तरीका अलग है, मैं मसाला इस टाइम नहीं भूनूंगी, इसमें सहजन और आलू को ऐड करूंगी। तो चलिए पांच फोरन हमारा हो गया है, और अब मैं इसमें डालती हूँ, ये देखिए मेथी लाल हो गई, तो अब मैं डालती हूँ इसमें सहजन और आलू। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने डाल दिया है इसमें आलू और सहजन को, और इसको इसी तरह से पांच मिनट से लगभग पांच से सात मिनट भूनूंगी ढक कर, बीच में चलाते हुए। तो चलिए हम इसे ढक देते हैं, और बीच में चलाते हुए इसे भून लेते हैं कम से कम पांच मिनट। देखिए दोस्तों, जब तक हमारा आलू और सहजन भून रहे हैं, तब तक क्यों ना मैं एक मसाला तैयार कर लूं। तो चलिए लेते हैं, लाल मिर्च से शुरू करती हूँ। तो लाल मिर्च या कोई भी तीखापन जो होता है, वो हमें अपने स्वाद अनुसार रखना चाहिए। अगर आप कम खाते हैं तो कम लीजिए, ये देखिए कम ले रही हूँ। मैं तेज खाती हूँ दोस्तों, मेरी बेटी, लेकिन मेरे पति और मेरा बेटा बहुत कम खाते हैं। ये है काली मिर्च और जीरा पिसा हुआ, तो ये है मेरे पास आधा चम्मच, ये चम्मच का साइज देखिए दोस्तों, और ये एक चम्मच सरसों है, एक चम्मच, और धनिया पाउडर उसका डबल या तिगुना, लगभग तीन चम्मच के लगभग धनिया पाउडर, और नमक भी स्वाद अनुसार, नमक और मिर्च जो होता है वो दो चीजें जो होती हैं हमारे स्वाद अनुसार होते हैं, और लेंगे हल्दी, और इसमें डालूंगी मैं लहसुन, या लहसुन पेस्ट डालिए ज्यादा अच्छा रहेगा, या लहसुन पेस्ट खत्म हो गया, मैं बना के रखती हूँ दोस्तों, तो मैंने कूट के डाला है। इसमें डालते हैं पानी थोड़ा सा, इसे मिक्स करके, सॉरी मिक्स करके छोड़ देते हैं जब तक हमारा सहजन और भूनता है तब तक। तो चलिए इधर देख लेते हैं इनका क्या हाल है, सहजन और आलू का। तो
ये देखिए दोस्तों, इसका कलर चेंज हो गया, यानी ये भुन गया अच्छी तरह से। तो अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर और मसाले। जी हाँ, टमाटर मसाले दोनों एक साथ। चलिए डालते हैं हम मसालों को और टमाटर को। तो ये मैंने टमाटर डाल दिया है और मैं हरी मिर्च और मसाले भी डाल दिए। नमक हम बाद में चख लेंगे दोस्तों और डाल देंगे, तब शुरू में हम कम ही रखेंगे। तो चलिए अब मैं आँच मैंने बिल्कुल कम कर दिया है और कम आँच पे पानी अगर लगे कि हाँ हमें चाहिए तो डालूंगी, वरना टमाटर के जूस में ही इन मसालों को बिल्कुल कम करके तेल छोड़ने तक अच्छी तरह भूनूंगी या टमाटर के गलने तक भून लेती हूँ। तो टमाटर मैंने थोड़े मोटे काटे हैं, तो जब तक मसाले भूनेंगे मेरा टमाटर भी गल जाएगा। ये मेरा ये ट्रिक है, मैं मोटे टमाटर इसलिए काटती हूँ कि मुझे पता चल जाता है कि हाँ मेरा मतलब मसाले भून गए, तो इसलिए मैं मोटे मोटे काटती हूँ। दोस्तों मैं भूल गई थी, मुझे बढ़िया भी डालनी है इसी टाइम, साथ साथ में ये भी पक जाएंगी, क्योंकि हमारे आलू और जो सहजन है वो हम जब भून रहे थे तब ये पक गई थी। और हमें जरूरत लगेगा मसाला भूनते हुए कि पानी चाहिए तो मैं पानी डाल कर भूनूंगी। ग्रेवी वाली बनती है, सूखी नहीं बनती, सूखी ही बनती है, तो वो मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, वो मैं अलग दिखाऊंगी। मसाले भी थोड़े करके भी अलग होते हैं, तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, बीच में चलाते हुए मैंने इसे 5 मिनट तक पका लिया। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह भुन गया है। ये देखिए तेल दिख रहा होगा आपको, यानी हमारे मसाले बहुत अच्छी तरह भुन गए। मैंने बताया था आपको मैं मोटा टमाटर डालती हूँ, तो ये देखिए टमाटर गल गया, तो और आलू भी आधा हो चुका है। ये देखिए अपने आप बहुत प्यार से कट गया, और हमारी ये बढ़िया मुंगौड़िया या दौरिया जो भी आप कहते हैं वो रह गया। तो अब मैं डालती हूँ इसमें पानी और इसे ढककर बीच में चलाते हुए मुंगौड़ियों के पकने तक। अब हमें मुंगौड़ियों के ऊपर ध्यान देना दोस्तों, आलू तो पक चुका है और लगभग सजना भी, लेकिन थोड़े से आलू रह गए पकने के लिए अंदर से। तो मैं पानी डालती हूँ और इसको ढककर मीडियम से कम आंच पे थोड़ा इसको पकाती हूँ। पानी दोस्तों थोड़ा और चाहिए, क्योंकि जो हमारी बढ़िया मुंगौड़िया होती है वो पानी को सोखती है, यानी पानी में ही वो पकती है। तो चलिए इन मुंगौड़ियों को बीच में ऐसे करते हुए नीचे की तरफ कर देते हैं, ताकि इसे पानी में अच्छी तरह पकने के सहायता मिले। और मैं डालती हूँ और थोड़ा पानी। जी हाँ, आप सोच रहे हैं इतना पानी? जी हाँ, ये बढ़िया है और इनको चाहिए पानी। तो चलिए इसे बीच में चलाते हुए बढ़ियों के पकने पर इसको पका लेते हैं। तो ढकती हूँ और बीच में चलाते हुए मैं इसे पका लूंगी। तो चलिए दोस्तों इसके पकने तक मैं आपसे कुछ बातें करती हूँ। दोस्तों मैं सोच रही हूँ, और मेरा बेटा एक और चैनल शुरू करना चाहता है, तो देखिए उसका नाम मैं क्या सोचती हूँ, तो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगी उसका, जो मेरा बेटा शुरू करेगा चैनल, और वो भी खाने पे ही होगा दोस्तों, कुछ अलग नहीं। मेरे खुद ऐसे सिंपल फूड पे मैं कभी कभी थोड़ा अलग कभी कभी डाल देती हूँ वीडियो, वरना ज़्यादा करके मुझे खाना बनाने का शौक है तो मैं इसी पे वीडियो बनाती हूँ। हाँ, बीच बीच में थोड़ा अलग कुछ कर देती हूँ, कभी शादी वादी का, या कभी किसी चीज़ का, या कभी किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज दे दूँगी। तो चलिए दोस्तों, तो उस चैनल के बारे में फिर बातें करूँगी। और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि मैं कुछ ही सब्सक्राइब से दूर हूँ, 2000 पे होने वाला है। हाँ, मेरा अभी 4000 पूरे नहीं हुए, और वो आपके सहारे ही होंगे दोस्तों, मुझे पता है वो मैं अपने आप नहीं कर सकती। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि मेरा कोई भी रेसिपी आपके पास पहुंचे। दोस्तों अगर मुझसे कुछ गलतियां होती हैं तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो
दोस्तों बात को ध्यान रखिएगा, दोस्तों आपके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मुझे आपका साथ प्यार और सहयोग चाहिए। तो चलिए इसका अगर कोई और तरीका है सब्जी बनाने का सहजन के तो आप मुझे जरूर बताइए। मेरा एक और तरीका है, अगर टाइम मिलता है तो मैं उसको भी दिखाती हूँ आपको। तो चलिए इसको हो जाने देते हैं, आज करती हूँ मैं मीडियम और इसे पकने देती हूँ बड़ियों के मुंगोड़ियों के पकने तक। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस सब्जी को। जी हाँ ये हो चुका है, ये देखिए आराम से कट जा रहा है, टूट जा रहा है सॉरी। और ये आलू भी हमारा हो चुका है, तो मैंने उस टाइम दिखाया था। और अब मैं इसमें डालती हूँ धनिया पत्ता और ये हमारे सर्व करने के लिए तैयार है। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं, खूब सारा धनिया पत्ता। चलिए अब मैं इसे ये देखिए तरी आप, क्योंकि तो थोड़ी देर में और सूख जाएगा दोस्तों। चलिए बंद करती हूँ गैस और इसे सर्व करती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों ये मैंने सर्व कर दिया है। अगर आप भी किसी और तरीके से बनाते हैं तो मुझे बताइएगा, और मैं इसको प्याज के भी तड़के पे बनाती हूँ। तो दोस्तों याद रखिएगा और अपना प्यार सहयोग मेरे साथ रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।